जी हाँ, गुड न्यूज़ लाए हैं हम आप सभी के लिए और ख़ास तौर पर उन फैंस के लिए जो कि शो न बोले तुम न मैंने कुछ कहा की लीड एक्ट्रेस यानी कि आकांक्षा सिंह को पर्दे पर देखने का इंतज़ार कर रहे थे। वह इंतज़ार ख़त्म हो गया है, लौट रही हैं वो इस बार पर्दे पर, लेकिन वो पर्दे पर नहीं, छोटे पर्दे पर नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर। फिल्म पहलवान में नजर आएंगी आपकी फेवरेट आकांक्षा सिंह, जो शो न बोले तुम न मैंने कुछ कहा में नजर आई थी इससे पहले, जिसके बाद वो टीवी टाउन से गायब थी। तो टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा किच्चा सुदीप के साथ काम करने वाली है। दबंग खान यानी सलमान की दबंग 3 में किच्चा लीड विलन का किरदार निभा रहे हैं। तो सलमान के लीड विलन यानी कि सुदीप के साथ आकांक्षा को बड़ा रोल मिला है, इसे लेकर उनका क्या कहना है सुनिए इस वीडियो में। किसका अच्छा नहीं रहेगा जहाँ पे ये दो नाम हो और एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब रहा है। दोनों के साथ काम करना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला है और कभी सेट पर ये एहसास नहीं होने दिया कि बहुत बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर रही हूँ। हम सबका अपना पट रहा था, तो क्या दिखा ना सुपरस्टार सुनील शेट्टी सर इज बिजी लर्निंग हिज लाइन, स्टार्टअप किधर से आ रहे, लाइन दिया तो वो भाग जाते थे कहीं लर्निंग करने के लिए। मेरे लिए एक और आता है, कल कुश्ती करना पड़ेगा वापस उसमें, क्या यार वापस जाओ करो, हमारा अपना था तो बीच में स्टार्टअप किधर से आता है सर। शी वॉज हैप्पीली स्टेइंग अलोन। No, but एक कंफर्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक साथ काम कर रहे होते हो, और वो कंफर्ट लेवल मुझे मिला। और जितना एक नए इंडस्ट्री में जाके आप काम करते हो आपके लिए थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, कि मुझे सिर्फ लाइंस के अलावा और किसी चीज़ का नर्वसनेस नहीं था। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।